Hello everyone, this is Vishal Bhatt and today we are here going to discuss about the right strategy for GATE 2021. Of course, मैं जानता हूँ यहाँ पर students बहुत अलग अलग variety के होंगे यहाँ पर जो video को देखने वाले हैं. कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपनी तैयारी 4-5-6 महीने पहले ही शुरू कर दी थी. कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने शायद मुश्किल से एक सब्जेक्ट कंप्लीट किया है, या कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक अपनी कोई प्रिपरेशन शुरू नहीं की है. थर्ड ईयर में प्रेजेंट स्टूडेंट्स भी इस बार फॉर्म भर सकते थे. काफ़ी सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो थर्ड ईयर में हैं और सोच रहे हैं अभी कि गेट की तैयारी किस तरह से करें, कैसे शुरू करें. यहाँ पर उन सभी स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स, चाहे उन्होंने 6 महीने पहले, चाहे उन्होंने अभी तक अपनी प्रिपरेशन शुरू भी नहीं की, सभी स्टूडेंट्स को अपने प्रिपरेशन में कुछ ना कुछ जरूर पॉइंट्स मिलेंगे जो आपके स्कोर को इंक्रीज़ कर सकते हैं. और अगर आप मेरी माने तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक अपनी प्रिपरेशन शुरू नहीं भी की है, वो भी मिनिमम 50-60 मार्क्स टारगेट करके स्कोर कर भी सकते हैं. लेकिन ज़रूरत होगी यहाँ पर सबसे पहले, चाहे गेट हो चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, ये पता करना कि उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये हमें पता चल जाए. क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट रूल जो कोई भी एग्ज़ाम में आपको फॉलो करना है वो यही है कि करीब करीब 20-25% ऐसा सिलेबस होता है जो कि आपके एग्ज़ाम में 70-80% का वेटेज रखता है. तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए वो 20-30% सिलेबस कौन सा है, ये पता कर ले. ऑफकोर्स हम यहाँ पर क्योंकि गेट की बात कर रहे हैं तो मैं ऑफकोर्स आपको ये बताने वाला हूँ कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको टारगेट करना है अगले 3 महीनों में, और ताकि आप मिनिमम 50-60 नंबर इजीली स्कोर कर लें. तो ऑफकोर्स यहाँ पर हम लोग बातें करने वाले हैं कुछ पॉइंट्स की. पहले पॉइंट की हम लोग बात करने वाले हैं दैट वॉट आर द टॉपिक्स एंड वॉट आर द सब्जेक्ट्स टू बी कवर्ड इन द नेक्स्ट 3 or 3.5 months. अगर आपने ऑलरेडी पहले से कुछ प्रिपेयर करके रखा है तो बहुत अच्छी बात है, आप एडवांटेज में हो. लेकिन उसका एडवांटेज आप कितना उठा पाते हो, ये ऑफकोर्स ये अगले 3 महीने डिसाइड करने वाले हैं. अगर आपने कोई प्रिपरेशन नहीं भी करी है अभी तक तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑफकोर्स ये अभी 3 महीने तो है ही मिनिमम, और इन 3 महीनों का आप जितना हो सके मैक्सिमम बेनिफिट लेकर इजीली 60 के आसपास स्कोर कर सकते हो. कैसे करेंगे, ऑफकोर्स इस पूरे लेक्चर में, इस पूरे वीडियो में हम लोग यही बातें डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स और कौन कौन से सब्जेक्ट्स को होंगे स्टडी करना है. इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे दैट किस तरह से आपको रिविजन करना है अगले 3 महीनों में. और तीसरा पॉइंट यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट हाउ वी शुड प्रैक्टिस क्वेश्चंस थ्रू आइदर मॉक टेस्ट्स और थ्रू योर प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट्स. तो दोनों का ही यूज़, मॉक टेस्ट हो चाहे वो प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट्स हो, किस तरह से उनका यूज़ करके आपको अपना रिविजन को बूस्टअप करना है, ये तीनों ही बातें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. ऑफकोर्स तीनों ही बातें बहुत ज़्यादा डिटेल में तो मैं डिस्कस नहीं कर पाऊँगा, इसीलिए इस पर्टिकुलर गेट 2021 के सेशन को हम लोग डिवाइड करने वाले हैं. और इस पर्टिकुलर सेक्शन में मैं मेनली फोकस करूँगा अबाउट द टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स विच यू शुड फोकस. रिविजन किस तरह से करना है इसके बारे में बाद में बात करते हैं हम लोग अगले सेशन में, और प्रैक्टिस मॉक टेस्ट किस तरह से देना है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे हमारे थर्ड लेक्चर में ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज. तो चलिए अभी बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स कौन से आपको टारगेट करने हैं. अगर मैं गेट के पिछले कुछ 6-7 सालों का अगर मैं यहाँ पर एनालिसिस करता हूँ तो वो एनालिसिस हमें दिखाता है कि कुछ 5-6 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि मोस्ट ऑफ द वेटेज कैरी करते हैं आपकी एग्ज़ाम में. जैसे कि अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है दैट इज़ योर जनरल एप्टीट्यूड. ऑफकोर्स जनरल एप्टीट्यूड कोई 2 या 3 दिन में सीखने वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें आती है आपकी 6th से लेकर 10th तक की मैथमेटिक्स.
और ये मैथमेटिक्स अगर आपने स्कूल लेवल में अच्छे से मैथ्स पढ़ी है तो शायद आपको किसी और से पढ़ने की ज़रूरत ना हो, बस हाँ इसको रिवाइज करना, इस पर प्रैक्टिस करने की बिल्कुल आवश्यकता आपको ज़रूर होने वाली है। तो जनरल एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन कैसे करनी है वो तो हम लोग बाद में बात करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि अधिकतर स्टूडेंट्स पहले से ही पढ़ कर रखते हैं अपनी स्कूल लेवल में ही। लेकिन इसके अलावा अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की बात करता हूँ टेक्निकल में, तो दैट इज़ योर जियो टेक्निकल और दैट इज़ सॉइल मैकेनिक्स। जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग की बात करता हूँ तो एवरेज जो वेटेज देखने को मिला है पिछले कुछ ईयर्स में दैट इज़ अराउंड 15 मार्क्स। इसी के अलावा नेक्स्ट सेकंड नंबर पे आता है टेक्निकल सब्जेक्ट्स में, दैट इज़ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का अगर मैं वेटेज चेक करता हूँ तो करीब करीब 10 से 12 मार्क्स का रहा है पिछले कुछ सालों में। अगला जो सब्जेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ऑफकोर्स सब्जेक्ट्स का वेटेज तो मैंने यहाँ पर लिखा है, लेकिन अगर आप चेक करें यहाँ पर आपके पास अगर टाइम ज़्यादा नहीं है और आपने यहाँ पर अभी तक कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पर कवर नहीं किया है, तो मैं यहाँ से अगर सिर्फ 6 सब्जेक्ट्स भी काउंट करता हूँ, दैट इज़ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जनरल एप्टीट्यूड, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग और एक फ्लूइड मैकेनिक्स या फिर थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट। तो अगर आप चेक करेंगे यहाँ पर 13 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 10 और अगर मैं यहाँ पर 7 या 8 मार्क्स का फ्लूइड मैकेनिक्स या फिर टॉस कंप्लीट करता हूँ तो दैट विल कवर अप टू अराउंड 70 to 72 मार्क्स ऑफ योर एक्सपेक्टेड गेट पेपर। जो भी यहाँ पर गेट पेपर होने वाला है, आने वाला है, उसका करीब करीब 70 to 72 मार्क्स आप वेटेज कवर कर लेंगे, लेकिन आपने यहाँ पर स्टडी करा है सिर्फ और सिर्फ 6 सब्जेक्ट्स, 6 मेजर सब्जेक्ट्स। अब ये 6 मेजर सब्जेक्ट्स किस तरह से कवर करना है, कौन से सब्जेक्ट में कितना टाइम लगने वाला है आपको, ये डिपेंड करेगा कि आपको वो सब्जेक्ट कितना ईजी या कितना टफ लगता है। तो ऑफ कोर्स बट मैं यहाँ पर अगर एक मोटी मोटी बात करता हूँ तो 6 सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए अगर मैं 12 दिन का भी एवरेज लेता हूँ, 12 डेज का भी एवरेज ले रहा हूँ, एवरेज मतलब कि यहाँ पर हो सकता है कोई सब्जेक्ट को आप 15 दिन लगाए, किसी सब्जेक्ट को आप 10 दिन में ही ख़त्म कर दें, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने वो सब्जेक्ट कॉलेज लेवल में कितने अच्छे से पढ़ा है या फिर अगर आपने इसके पहले कभी प्रिपरेशन करने की कोशिश भी करी है तो भी वहाँ पर कितना पढ़ा था। तो उसके हिसाब से अगर मैं 12 दिन का भी एवरेज लेता हूँ तो ईजिली आप 72 डेज या 75 डेज में ईजिली ये 6 सब्जेक्ट्स ईजिली कवर कर सकते हैं। और अगर 75 डेज में आप 6 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेते तो भी आपके पास करीब करीब 30 दिन के टाइम बाकी रह जाएगा, जो कि आपके रिवीजन और मॉक टेस्ट के लिए काफ़ी होगा। लेकिन हाँ, ये 30 दिन में सिर्फ रिवीजन नहीं करना है, क्या करना है तो वो हम लोग बाद में बात करते हैं। बट पहले यहाँ पर अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूँ, अलग अलग सब्जेक्ट्स में देखिए वेटेज तो ये आपको देखा ही हुआ है, लेकिन सब्जेक्ट्स का भी यहाँ पर एनालिसिस देखता हूँ तो मैथमेटिक्स जैसे कि अगर आप चेक करते हैं मैंने पिछले 10 सालों में कितने मार्क्स के टोटल क्वेश्चंस आए हैं ये यहाँ पर लिखा है। सो दिस 35 इज नथिंग बट दैट इज द मार्क्स ऑफ क्वेश्चंस दैट हैज बीन आस्क्ड इन लास्ट 10 ईयर्स। लीनियर अलजेब्रा चेक करते हो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में तो 35 मार्क्स का पूछा गया है, दैट मीन्स सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। जबकि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आप चेक करते हैं दैट इज कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो ये 3 और एक चौथा दैट इज प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, ये 4 इंपॉर्टेंट मेजर टॉपिक्स होते हैं आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जो कि आपको 100% कवर करना होगा। इसी के अलावा माइनर टॉपिक्स की बात करूंगा तो एक दिखता है यहाँ पर जो कि माइनर टॉपिक है। सो ये तो हो गए हमारे वो टॉपिक्स जो कि आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में पढ़ने हैं। लेकिन इसी के अगर बात करता हूँ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में तो इसमें भी चेक करें यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिले हैं हमें पिछले सालों में तो दैट इज़ योर कंसोलिडेशन एंड ऑफ कोर्स शैलो फाउंडेशन। इसी के अलावा शीयर स्ट्रेंथ, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, ये कुछ यहाँ पर डी फाउंडेशन, ये मैंने अभी तक यहाँ पर दिख रहे हैं 1, 2, 3, 4 और 5 मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं जियो टेक्निकल में। लेकिन जियो टेक्निकल की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर सिर्फ 5 नहीं बल्कि आपको कुछ ज़्यादा नंबर ऑफ़
टॉपिक्स चूज करने चाहिए। तो ऑफ कोर्स मैं उनको भी यहाँ पर ही मार्क करके आपको दे देता हूँ, तो ये सभी टॉपिक्स को आप इजीली यहाँ पर कवर कर लेंगे। कम से कम इतने टॉपिक्स ज़रूर कवर करने हैं आपको, जो भी मैं यहाँ पर आपको मार्क करके दे रहा हूँ। लेकिन ऑफ कोर्स ये टॉपिक्स कैसे मैंने मार्क किए, तो दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चलिए इसी के लगता हूँ आगे, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। इसमें भी डाउट आता है कि सर कितना पढ़े क्या पढ़े। देखेंगे अगर सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है पिछले 10 सालों में देखने को मिलता है कि भाई ट्रैफिक इंजीनियरिंग पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है आपका ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन, और थर्ड नंबर पे यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको पेमेंट मटेरियल्स। पेमेंट मटेरियल्स वैसे तो बहुत ही ईजी छोटा सा टॉपिक है, कई बार इग्नोर कर देते स्टूडेंट्स, लेकिन अगर आप यहाँ पर एनालिसिस करके देखेंगे तो ऑफकोर्स टॉपिक छोटा है, याद करने में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, गिनती के मुश्किल से 20 टेस्ट है, लेकिन 20 टेस्ट पे भी क्वेश्चंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं। तो ऑफकोर्स पेमेंट मटेरियल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। और अगर यहाँ पर पेमेंट डिज़ाइन की बात करें तो सिर्फ आपको यहाँ पर फ्लेक्सिबल पेमेंट में IS कोड मैथड और रिजिड पेमेंट में कुछ 4-5 फॉर्मूलेज है जिनको याद करना है। उसी पे बेस 17 मार्क्स के क्वेश्चंस आए हैं अभी तक 10 सालों में, मतलब करीब करीब 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके हर साल। तो ऑफकोर्स 10 नंबर के आसपास का वेटेज रखने वाला ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और इसमें मैंने आपको 4 टॉपिक्स बताए हैं। ऑफकोर्स इसमें भी सब टॉपिक्स हैं जिनकी लिस्ट मैं आपको अलग से ही बनाकर दे दूंगा। इसी के अलावा अगर मैं बात करता हूँ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक देखने को मिलता है, सबसे बड़ा टॉपिक, दैट इज योर वाटर ट्रीटमेंट, सेडिमेंटेशन टैंक या कोएगुलेशन फ्लॉकुलेशन डिसइंफेक्शन, इन पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। इसी के अलावा अगर मैं सीवेज ट्रीटमेंट की बात करता हूँ तो हमें ASP या फिर इसके अलावा ग्रिट चैम्बर, इसी के अलावा आपको स्लज डाइजेशन पे भी कई बार क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक देखने को मिलता है, दैट इज़ योर क्वालिटी पैरामीटर्स, फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल पैरामीटर्स। में से सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे फिजिकल, और सबसे उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केमिकल पैरामीटर्स। हार्डनेस एल्केलिनिटी पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं हमारे गेट एग्जाम में। इसी के अलावा और इम्पॉर्टेंट की बात करेंगे तो एयर पॉल्यूशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा, क्योंकि टॉपिक है तो छोटा लेकिन वेटेज इसका काफ़ी हद तक अच्छा खासा रहा है पिछले 10 सालों में। तो एक्सपेक्टेड है कि इस साल भी इसका जो वेटेज होगा आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो मुश्किल से 1-1.5 घंटे का टॉपिक होता है, लेकिन 13 मार्क्स के क्वेश्चन आए पिछले 10 सालों में। दैट मीन्स एवरेज एक मार्क का क्वेश्चन मैं मान सकता हूँ जो हर साल देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर टॉपिक से। तो इसको भी आपको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जबकि अगर मैं सीवेज पैरामीटर में बात करता हूँ तो यहाँ पर मोस्टली आपको BOD पे क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलता है, तो इसको भी यहाँ पर कवर करेंगे। वेल हाइड्रोलिक्स की बात करूँ मैं तो सिर्फ एक फॉर्मूला है, एक अनकन्फाइंड एक्वीफर और दूसरा कन्फाइंड एक्वीफर। ये दोनों ही फॉर्मूलेज सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज होते हैं आपके वेल हाइड्रोलिक्स में, जिनको आपको ऑफ कोर्स कवर करना है। अच्छा, नीचे लिखा हुआ है नॉइस पोल्यूशन, ये एक्चुअली एक ऐसा टॉपिक है जो अभी तक तो था, लेकिन था हो गया है क्योंकि इस बार के 2021 में नॉइस पॉल्यूशन अपने सिलेबस में कवर नहीं किया जा रहा है गेट में। सो ऑफकोर्स इसको आपको इग्नोर कर देना है अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हो तो। नेक्स्ट अगर मैं सब्जेक्ट की बात करता हूँ तो देखिए यहाँ पर फ्लूइड मैकेनिक्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है, दैट इज़ योर ओपन चैनल फ्लो। 51 मार्क्स का वेटेज रहा है पिछले 10 सालों में। दैट मीन्स करीब करीब आप चेक करेंगे तो जो बाकी के यहाँ पर टॉपिक्स हैं उन सबसे ज़्यादा, उन सबके टोटल से भी ज़्यादा यहाँ पर वेटेज होता है ओपन चैनल फ्लो का। इसीलिए OCF एक ऐसा टॉपिक है जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स से अलग करके भी कई बार पढ़ लिया जाता है। इसी के अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर फ्लो थ्रू पाइप्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनकर दिखता है। और इसी के अलावा यहाँ पर देखिए ये जो काइनेमेटिक्स है दिस इज़ ऑल्सो एक्सक्लूडेड, टर्बाइंस एंड पंप्स भी यहाँ पर एक्सक्लूड हो गया है। और इसी के अलावा ये जो यहाँ पर पहले के 3 टॉपिक्स दिख रहे, दीज आर द फ्लूइड प्रॉपर्टीज ओनली। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स की, तो फ्लूइड मैकेनिक्स के मैंने ऑलमोस्ट 95% लेक्चर्स आपको YouTube पे ही दे दिए हैं, तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पर एक बार प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा।
फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएंगे। इसी के अलावा अगर मैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात करता हूँ तो उसके भी मैंने अराउंड 95% लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे ही दे दिए हैं। दैट मीन्स दो सब्जेक्ट्स तो ऐसे हैं जो कि आपको यहाँ पर फ्री में ही यूट्यूब पे मिल जाते हैं, उनको आप कवर कर लीजिए, ऑलमोस्ट आपके 95% क्वेश्चंस गेट के भी कंप्लीट वहीं से हो जाएंगे। इसी के अलावा नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ये एक और अगेन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बनकर आ रहा है। करीब करीब 5 से 6 मार्क्स का एवरेज वेटेज रखते हुए इसमें भी अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक देखने को मिलता है दैट इज़ योर ट्रसेस, और नेक्स्ट नंबर पे आता है दैट इज़ मैथड्स ऑफ एनालिसिस। मैथड्स ऑफ एनालिसिस में हम लोग बात करते हैं यहाँ पर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मैथड की, स्लोप डिफ्लेक्शन मैथड की, इसी के अलावा यूनिट लोड मेथड वगैरह भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। इसी के अलावा डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी निकालने पे कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है, और इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, सिंपल एक मुलर ब्रिजलेव अगर आप थ्योरम यहाँ पर याद रख लेते, प्रिंसिपल यहाँ पर याद रख लेते हैं तो भी काफ़ी हद तक आप इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के अधिकतर क्वेश्चंस कर लेते हैं। सो ये बहुत ज़्यादा ऐसा बहुत बड़ा सब्जेक्ट तो नहीं है, मैंने यहाँ पर आपको 3-4 टॉपिक्स बताए हैं, इन्हीं पे सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे। और ऑफकोर्स मैंने आपको जैसा बोला कि एक सब्जेक्ट में आपको करीब करीब 10 दिन का टाइम यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है, मैंने 12 दिन का एवरेज लिया था, तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर को आप 10 दिन का भी अगर टाइम देते तो आराम से ये सभी टॉपिक्स को आप कवर कर सकते हो। इसी के अलावा बात करता हूँ हाइड्रोलॉजी इरिगेशन, तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर 3 टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज द क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट, दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज योर डब्ल्यू इंडेक्स एंड फाई इंडेक्स दैट इज इनफिल्ट्रेशन एंड रन ऑफ, और तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज योर हाइड्रोग्राफ्स। अगर मैं बात करता हूँ YouTube पे तो आपको इन दोनों ही टॉपिक्स के 100% लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे, और उसके बेसिस पर आप इजीली गेट के क्वेश्चंस भी सारे अटेम्प्ट कर लोगे। सो ऑफकोर्स 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यहाँ पर। इसी के अलावा प्रेसिपिटेशन और इवापरेशन बहुत ही छोटा टॉपिक होता है, बहुत ही ईजी टॉपिक होता है जिसपे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फ्लड राउटिंग की बात करता हूँ तो मस्किंगम, एक सिंपल एक ही थ्योरी है यहाँ पर मस्किंगम मैथड, उसी को आपको यहाँ पर पढ़ना है, तो एक मैथड को अगर आप पढ़ लेंगे तो भी यहाँ पर फ्लड राउटिंग का टॉपिक कंप्लीट आपका हो जाता है। बाकी सारे टॉपिक्स को आप यहाँ पर अभी इग्नोर भी कर सकते हैं अगर आप अपनी प्रिपरेशन में बहुत पीछे चल रहे हो तो। चलिए इसी के अलावा बात करता हूँ यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की, सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक देखने को मिलता है दैट इज द डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स। डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स में हम देखते हैं कुछ 3 या 4 मैथड्स हैं, सिर्फ उन्हीं मैथड्स को अगर आप ठीक से समझ ले, प्रैक्टिस कर ले तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आराम से कंप्लीट होता है। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की बात करेंगे तो यहाँ ये सबसे बड़ा टॉपिक होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, लेकिन इसका वेटेज भी उसी के हिसाब से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बेंडिंग एंड शीयर स्ट्रेसेस, सिंपल सिर्फ 3 या 4 फॉर्मूलेज हैं जिनको अगर आप याद करते हैं तो बेंडिंग एंड शीयर स्ट्रेसेस भी ईजिली कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, इसी के अलावा ये 2 और मेजर टॉपिक्स देखने को मिलते हैं, वेटेज इनका बहुत ज़्यादा तो नहीं है, इसीलिए मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स को आपके इंपॉर्टेंट 6 सब्जेक्ट्स में काउंट नहीं किया था। सो चलिए देखते हैं यहाँ पर आगे, नेक्स्ट जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट दिख रहा है दैट इज योर आरसीसी स्ट्रक्चर्स। आरसीसी स्ट्रक्चर्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सब टॉपिक देखने को मिलता है दैट इज द मटेरियल प्रॉपर्टीज, एंड सेकेंड नंबर पे देखने को मिलेगा दैट इज द डिजाइन ऑफ बीम्स। तो ऑफकोर्स ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसी के अलावा LSM WSM के जो स्पेसिफिकेशंस हैं उनको भी आपको यहाँ पर याद रखना जरूरी है, और इसी के अलावा प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट, इसको आप बिल्कुल भी यहाँ पर इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हो जाएंगे जो कि आप RCC में 100% कवर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट बात करता हूँ स्टील स्ट्रक्चर्स, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर टॉपिक देखने को होता है दैट इज योर प्लास्टिक एनालिसिस। सेकेंड नंबर पे कनेक्शंस, और कनेक्शंस में ही रिवेट बोल्ट और वेल्ड्स दोनों ही कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट इसी के अलावा बीम्स को आप लोग कवर कर सकते हैं, बट प्लेट गर्डर्स और इंडस्ट्रियल रूफ्स को आप एकदम 100% इग्नोर भी कर सकते हैं। टेंशन मेंबर्स भी एक पर्टिकुलर यहाँ पर टॉपिक होता है, लेकिन पिछले 10 सालों में ज़्यादा ये नहीं मिला, तो ऑफकोर्स इसको भी आप यहाँ पर इग्नोर कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं की, तो दैट इज योर सर्वेइंग। सर्वेइंग में अगर मैं बात करता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो दैट इज लेवलिंग, और लेवलिंग को फॉलो करता है यहाँ पर कंपास एंड ट्रैवर्सिंग, और थर्ड नंबर पे देखने को मिलता है फोटोग्रामेट्री।
कई बार काफ़ी सारे स्टूडेंट्स GIS और GPS को भी कवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो तीन नंबर दिख भी रहे हैं, ये तीन नंबर ऐसे हैं जो कि 10 साल में पूछे गए, लेकिन इन पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो एकदम अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। इसीलिए इस टॉपिक को मैं प्रेफर करता हूँ कि आप लोग छोड़ दें तो बेहतर होगा, अपने प्रिपरेशन का जो टाइम है कुछ और दूसरे टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देने में बिताएं। आगे बढ़ता हूँ, इसी के अलावा नेक्स्ट यहाँ पर बनेंगे तो अगला जो टॉपिक है, देखिए यहाँ पर ब्रिक्स कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में से इस बार एक्सक्लूड कर दिया गया है, लेकिन सीमेंट और कंक्रीट के अलावा ऐड किया गया है स्टील। तो स्टील की बेसिक प्रॉपर्टीज़ हम लोग तो वैसे ही स्टील स्ट्रक्चर में भी पढ़ते हैं, उन्हीं को थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेंगे। तो सीमेंट, कंक्रीट और स्टील, ये तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जो कि आपको कंस्ट्रक्शन मटेरियल में से पूछे जा सकते हैं। इसी के अलावा अगर मैं मैनेजमेंट की बात करता हूँ तो मैनेजमेंट में जो अधिकतर मेजर वेटेज रहा है, दैट इज़ ऑफ द नेटवर्क एनालिसिस। हम लोग पर्ट डायग्राम ड्रॉ करते हैं और वो पर्ट डायग्राम में हम लोग क्रिटिकल पाथ कैलकुलेट करके फ्लोट्स वगैरह कैलकुलेट करने की कोशिश करते थे। वही पार्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारे CPM पार्ट में। इसी के अलावा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी एक और यहाँ पर माइनर सब्जेक्ट है जिसको आपको कवर करना चाहिए, लेकिन ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के साथ ही ईजिली कवर हो जाता है। तो ऑफकोर्स ये कुछ यहाँ पर ऐसे सब्जेक्ट्स है और कुछ टॉपिक्स है जो कि मैंने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करी है। इन सभी पर्टिकुलर टॉपिक्स को आप नोट डाउन कर लें कि कौन से सब्जेक्ट में कितने टॉपिक्स है जो आपको यहाँ पर अच्छे से पढ़ने हैं। करीब करीब आपको यहाँ पर 60 टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। ऑफकोर्स मैंने यहाँ पर चैप्टर्स के नाम लिखे थे ना कि टॉपिक्स। 60 टॉपिक्स कौन से हैं, तो थोड़ा और इन्हीं पर्टिकुलर चैप्टर्स में डिटेल में अगर जाएंगे तो उनमें से टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, और वो जो 60 टॉपिक्स है उनकी लिस्ट, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में से, वो लिस्ट भी मैं आपको बनाकर देने वाला हूँ। तो अगले सेशन में हम लोग वो 60 टॉपिक की भी बात करेंगे जो आपको कवर करना है। 60 टॉपिक्स मैं ये एज्यूम करता हूँ कि अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट की एक सबसे बड़ी खासियत होती है, हम सभी जानते हैं, लास्ट नाइट पर स्टडी करते हैं। जब हमें शायद एक भी यूनिट अच्छे से नहीं आता, शायद कई बार तो यूनिट के नाम भी नहीं पता होते, तब भी हम लोग एक दिन की पढ़ाई करके आराम से 70-80% मार्क्स ले आते हैं। ये खासियत है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की, आप सभी की, उसको बिल्कुल भी ना भूलना। लेकिन वहाँ तो आप एक दिन में 5 यूनिट पढ़ के जाते हो, ठीक है मैं मानता हूँ कि शायद उतना अच्छा लेवल आप प्रिपेयर नहीं करते, यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए गेट ज़्यादा अच्छे लेवल पे पूछने वाला है क्वेश्चंस, तो मैं मान लेता हूँ कि वहाँ पर अगर आप एक दिन में 5 यूनिट ख़त्म करते थे तो यहाँ पर कम से कम एक दिन में एक टॉपिक तो कवर कर ही सकते हो, हाँ या ना। तो मिनिमम अगर मैं एक दिन में एक टॉपिक की भी बात करता हूँ तो 60 डेज में इजीली आप इन 60 टॉपिक्स को कवर कर पाओगे। अब ये तो बातें हो गई, अभी तक यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपको बताए हैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, वो 60 टॉपिक कौन से हैं, तो उसकी लिस्ट मैं लेकर आऊँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने नोट डाउन करके आपको बताए हैं, इनको आप ज़रूर याद रखें और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको अच्छे से पूरे 100% जोश के साथ शुरू करें, क्योंकि जो मैंने अभी यहाँ पर आपको बेसिक यहाँ पर बताया है कि अगर आप 6 सब्जेक्ट्स भी कवर कर लेते हो तो एनालिसिस ये बोल रहा है इजीली कि आप 70 मार्क्स की तैयारी आप कर चुके होंगे। तो ऑफ कोर्स 70% को ही अगर आप ठीक से कवर करते, सिर्फ इन्हीं 6 सब्जेक्ट्स को आप ठीक से बार बार रिवाइज करते हुए, बार बार प्रैक्टिस करते हुए अगर अच्छे से तैयारी कर लेते हो तो इजीली 50+ मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो, ये बात आप भी खुद समझ रहे होंगे। लेकिन जो बाकी बच गए 30% है, उनमें से भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको अगर आप ठीक से कवर कर ले तो शायद आप 70 नहीं बल्कि 90% की तैयारी कंप्लीट कर सकते हो, और वो जो पर्टिकुलर 90% की तैयारी करनी है उसके लिए ये 60 टॉपिक भी काफ़ी होंगे। तो इन 60 टॉपिक्स की हम लोग बातें करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, जो कि बहुत ही जल्द मैं 2 या 3 दिनों में ही आपके सामने लेकर आऊँगा अ लिस्ट ऑफ दीज 60 टॉपिक्स। तो चलिए अपनी तैयारी को अच्छे से 100% जोश कॉन्फिडेंस के साथ शुरू कर दे, 100 दिन बाकी है करीब करीब,
और ऑनलाइन इंजीनियरिंग में मैं और मेरी टीम आप सभी के यहाँ पर सहायता करने के लिए तैयार ही है। काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स ऑलरेडी यूट्यूब पे आप लोगों को देखने को मिल ही जाएंगे, तो कम से कम उन्हीं सब्जेक्ट से आप शुरू करें और अपने प्रिपरेशन को बूस्टअप करें।